नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम सजाए दिल्ली दौरे पर रहे और इसी दौरान सीएम ने संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। बता दें, तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई दी, साथ ही छत्तीसगढ़ विजन 2047 के बारे में पीएम को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके बाद सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संसद भवन में सीएम छत्तीसगढ़ के सांसदों से मिले और उनके साथ लंच किया। ये तीन तस्वीरें आपके सामने, छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ लंच करके करने वाली ये तस्वीर आखिरी आप देख रहे हैं, और पीएम से मुलाकात की तस्वीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर। ये तीन तस्वीरें बेहद खास आज की। दिल्ली दौरा रहा सीएम विष्णु देव साय का और पीएम से मुलाकात, साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, और उसके बाद जो सांसद हैं उन सभी से मुलाकात और फिर उनके साथ लंच सीएम साय ने किया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दौरा था, दिल्ली दौरा था, बेहद खास इसे मान सकते हैं क्योंकि पीएम से भी मुलाकात हुई, साथ ही साथ गृहमंत्री से भी मुलाकात हुई है, सांसदों के साथ लंच भी हुआ है, कितनी खास इस मुलाकात को माने? हाँ बिल्कुल, देखिए रितु, ये मुख्यमंत्री की आज की जो यहाँ दिल्ली का दौरा है और जो मुलाकातें हुई हैं अलग अलग, चाहे प्रधानमंत्री के साथ हो या गृह मंत्री के साथ हो या फिर सांसदों के साथ भोजन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री किसके ने जब तीसरी बार अपना पदभार ग्रहण किया है तो उसकी बधाई आज देनी दी है मुख्यमंत्री ने, वो है। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड सौंपा है कि हमने 6 महीने में क्या क्या काम किए हैं और आगे हमें क्या करना है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है राज्य का 2047 जो विजन है विकसित का, विकसित राज्य का, वो उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखा है और कहा कि इसकी हम घोषणा 1 नवंबर को जब राज्य की स्थापना दिवस होती है तो उसके सामने करेंगे। तो यहां पे एक रूपरेखा बना दी गई है, साथ साथ जो आदर्श गांव हैं उसके बारे में बताया कि कैसे हम इसके जरिए जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उससे हम इन सब को छुड़ा, ये जो दाग है नक्सल का, हम इसे साफ कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। और इसके अलावा फिर उन्होंने गृह मंत्री से इसके साथ भी मुलाकात की है और उनके साथ भी चर्चा राज्य के कामों पर ही हुई है कि 6 महीने के विकास कार्य क्या रहे, कैसे उन्होंने काम किया है। हालांकि इस दौरान आचार संहिता भी रही तो में जो कमियां रही वो भी बात की गई। और एक और इसमें महत्वपूर्ण जो आज की बैठक में रहा है वो रहा है कि राज्य का मंत्रिमंडल का विस्तार, जो विस्तार होना है। अभी हाल ही में ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो वो सीट एक खाली हुई और इससे पहले एक पद पहले से ही खाली है, तो कुल मिला के राज्य में कैबिनेट में 2 चेहरों को जगह मिल सकती है, तो उसको लेकर भी चर्चा की गई है। हालांकि अभी ये काम जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आधिकारिक रूप से करना है, ही की जिम्मेदारी है कि का संगठन या पार्टी की तरफ से किसको चेहरा बनाया जाए जो मंत्रिमंडल में शामिल हो। मुख्यमंत्री की मुलाकात अब से कुछ देर बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी और मंत्रिमंडल पर भी चर्चा की जाएगी कि उसमें किसको शामिल किया जाए, वो चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं, उसको लेकर एक लंबी चर्चा की जाएगी। और जाहिर सी बात है उनको भी बताया जाएगा कि अपने हमने 6 महीने में क्या क्या काम किए हैं। और पार्टी अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर के अधिसूचना जारी हो चुकी है। 22 से 26 जुलाई तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। मॉनसून सत्र में बताते 5 बैठकें होंगी और कई सारे मुद्दे भी इसमें होंगे, हंगामा भी हम खूब देखेंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या क्या मुद्दे लेकर के विपक्ष भी पहुंचता है। मॉनसून सत्र की शुरुआत 5 बैठकें और 22 से 26 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। सत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण रहेगा, किन किन मुद्दों पर घेर सकता है विपक्ष, उसकी भी तैयारी विपक्ष लगातार कर रहा होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ज्यादा दिन का यह सत्र होगा भी नहीं, कितना खास सत्र को माने और विपक्ष कैसे तैयारी में होगा, क्या मुद्दे होंगे?
जी बिल्कुल, मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 22 से 26 जुलाई तक के मानसून सत्र होगा, 5 बैठकें होंगी। इसमें महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सरकार बनने के बाद जो है ये पहला मानसून सत्र होने जा रहा है। इससे पहले जो सत्र हुआ था उसमें सत्ता पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो विपक्ष को घेरते आई थी, जिसमें जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के तमाम अनियमितताओं के मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, उसको लेकर लगातार वो घिरते नजर आए। लेकिन ये मानसून सत्र में जो है इसके विपरीत होने वाला है। 6 महीने सरकार को हो चुके हैं और 6 महीने सरकार के कामकाज पर सवाल विपक्ष लगातार करता नजर आएगा। 5 दिन में इसको लेकर विपक्ष भी तैयारी कर रहा है, लगातार सवाल लग रहे हैं। और 28 तारीख को जो है विधानसभा में जो समितियां हैं विधानसभा की, उसकी बैठक होंगी, विधायक उसमें शामिल होंगे, मंत्री शामिल होंगे। ऐसे में रणनीति भी बनेगी कि किस तरीके से जो है जवाब दिया जाए और मानसून सत्र में जो एजेंडा होंगे उसको पूरा किया जाए, उस पर भी चर्चा होगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। 27 जून से सीएम विष्णुदेव साय का जन दर्शन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हर गुरुवार को सीएम हाउस में सीएम जन दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सीएम हाउस में हर गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ये जन दर्शन का आयोजन होगा। आपातकाल की 49वीं बरसी पर बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में काला दिवस मना रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया एक्स पर इमरजेंसी का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तानाशाही रवैये की उपज भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे काले अध्याय। आपातकाल 25 जून 1975 के विरोध में उठी प्रत्येक आवाज और देश को जागृत करने वाली विभूतियों को सादर नमन। तो वहीं आपातकाल की 50वीं बरसी पर रायपुर के बीजेपी कार्यालय में आपातकाल एक काला दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मीसा बंदियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री रामविचार नेताम, विधायक राजेश मूणत और पुरंदर मिश्रा भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विधानसभा और लोकसभा में करारी हार के बाद घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव के बाद जो समीक्षा होनी थी वो लोकसभा चुनाव के चलते नहीं हो पाई, तो वहीं लोकसभा के लिए कांग्रेस के नतीजे कांग्रेस के लिए पिछली बार से भी खराब रहे। पिछली बार कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार केवल 1 सीट। अब इसी को लेकर कांग्रेस में समीक्षा होगी। AICC में समीक्षा के लिए वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दी है। यह तय माना जा रहा है कि इस बैठक में के बाद जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव होगा। इसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश प्रभारी तक बदले जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इस बैठक के पहले कई बड़े नेता सक्रिय हो चुके हैं। जी, अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो निर्णय लिया है और विभिन्न प्रांतों में वहाँ समीक्षा करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी वीरप्पा मोइली जी के नेतृत्व में ये कमेटी गठन किया गया है और हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उस कमेटी का यहाँ छत्तीसगढ़ भी आगमन होगा। आगमन होकर के बैठक करके चुनावों की परिणामों की समीक्षा करेंगे और इस चुनाव परिणाम की समीक्षा के बाद में जैसी उनकी सिफारिशें होंगी, उनकी सिफारिशें के आधार पर फिर हाईकमान के द्वारा यहाँ के बारे में व्यवस्था दी जाएगी। अब बात बिलासपुर की, जहां चांटी डी के मेलापारा में अवैध निर्माण के खिलाफ 5वें दिन भी निगम की कार्रवाई हुई। यहां 742 अवैध मकानों पर कार्रवाई की गई। अब तक करीब 600 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। तो वहीं निगम की इस कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया। तो वहीं निगम की इस कार्रवाई से बेघर हुए करीब 50 से अधिक परिवार मंदिरों में आसरा लेकर रत जगा करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि मेलापारा में 1160 परिवार मकान बनाकर रह रहे थे और 2 साल पहले इनमें से 418 मकान के लोगों को विस्थापित किया गया था। बाकी बचे 742 मकानों पर निगम की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है।
बुलडोजर की कार्रवाई का आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन लगभग 100 से भी अधिक मकानों को जमींदोज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं चाटीडी के मेला पारा में मौजूद हूँ। यहाँ पर पिछले 3 दशकों से यहाँ पर जो लोग हैं वो कच्चे मकान बनाकर रह रहे थे। हालांकि नगर निगम ने इन्हें पहले भी नोटिस जारी करते हुए कहा था कि इन्हें विस्थापित किया जाएगा और लगभग 400 मकानों को लगभग 2 साल पहले यहां से अशोक नगर अटल आवास में विस्थापित किया गया था। लेकिन ये देखा जा रहा था लगातार कि कहीं ना कहीं विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से रुक गई थी। लिहाजा एक बार फिर से नगर निगम की कार्रवाई जो है बुलडोजर की कार्रवाई वो देखने को मिली। क्या मकान का दिक्कत है? बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है। यहाँ क्या समस्या आई? बताया गया पानी का दिक्कत था। आप लोगों को मकान नहीं मिला है? नहीं। तो कहाँ अभी रात कैसे गुजार रहे, क्योंकि तोड़ दिया गया मकान? तो बाहर में है सर, अभी बच्चे छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं सब है। बिल्कुल, देखिए ये लोग हैं, इनकी मांग यही है कि अतिक्रमण की कार्रवाई निगम को करना था, लेकिन बारिश के एंड मौके पे नहीं, बारिश के 4 महीने बाद भी किया जा सकता था या उससे पहले भी किया जा सकता था। सवाल यही है कि इनको विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 50 से अधिक ऐसे परिवार है जिनको विस्थापन किया जाना है, उनको मकान आवंटित नहीं है और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चक्का जाम के जरिए वो अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। वहीं अगर हम निगम प्रशासन की बात करें तो निगम प्रशासन ये कह रहा है कि ऐसे लोगों की लिस्टिंग तैयार की जा रही है। उस समय सर्वे हुआ था, तब आप लोगों ने नाम लिखाया था? उस समय उसका शादी नहीं हुआ, बाद में हुआ ना, तो बाद में हुआ तो उसका घर नहीं मिलेगा, कहाँ रहेगा वो? बाद में हुआ तो उसका घर नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए ना। जिला प्रशासन किस तरीके से आने वाले दिनों में इन लोगों के लिए, जो पीड़ित परिवार है, जो बेघर हो गए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करती है? बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। और इसी बीच बड़ी खबर दुर्ग से है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का ही मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें दंपत्ति का अश्लील वीडियो बनाया गया था, वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, 10 लाख रुपए की डिमांड भी कर रहा था। यूपीएससी में असफल होने के बाद अपराध की राह पकड़ ली और इस तरह से ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा था इस युवक के द्वारा। अश्लील वीडियो बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया, 10 लाख रुपए की मांग की गई। फिलहाल इस मामले में FIR कराई गई, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी, युवक की गिरफ्तारी हुई। ये नंदनी थाना क्षेत्र का मामला है। एक प्रार्थी जो है वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके जो निजी वालों को किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो बना करके उसको सेंड किया है। सेंड करने के बाद उसको 10 लाख रुपया उसको उससे मांगा जा रहा है। इस बात को पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद उसको क्राइम ब्रांच को अवगत कराया गया कि ऐसा प्रकार का मामला हुआ है। इस मामले में आरोपी जो है पढ़ा लिखा बी किया हुआ लड़का है। उसका बताना है कि 2017-18 में वो UPSC की तैयारी करने दिल्ली गया हुआ था। PSC और UPSC में अनसक्सेस होने के बाद उसकी आर्थिक हालत ख़राब हो गई, ऐसा बता रहा है वो। लेकिन ऐसा नहीं लगता, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। 2 साल पहले इसने मोटरसाइकिल चोरी किया था, आज वो पकड़ा गया है मोटरसाइकिल उसकी। और उस घर पे 2 बार वो अटेंड पहले भी कर चुका है, 2 बार चोरी कर चुका है। तीसरी बार जब चोरी करने गया तो रोशनदान से देखा उसने कुछ चीज़ें निजी वालों को जीते हुए घर वालों को, तो उसकी नीयत बदल गई। नीयत बदलने के बाद उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद वो भयादोहन करने लगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये ब्लैकमेलर की गिरफ्तारी तो हो गई है और जैसा कि हम सुन भी रहे थे, ये भी कहा जा रहा है कि पहले के भी रिकॉर्ड कई दर्ज हैं। क्या ब्लैकमेलिंग के भी इस तरह के पहले के कोई रिकॉर्ड दर्ज हैं? देखिए, ब्लैकमेलिंग के इसके पहले के कोई रिकॉर्ड तो दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये अपराधी किस्म का जरूर रहा है। इसके पहले भी वो चोरी की घटनाओं में ये संलिप्त रहा है। इसने 2 बार चोरी की थी और तीसरी बार जो है बिराई के नगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये चोरी करने के नियत से एक ही घर में घुसा था। इसके पहले 2 बार घुस चुका था वो, तीसरी बार जब घुसा तो उसने चोरी की नियत बदल दी और जब दंपत्ति घर के अंदर थी तो उनका वीडियो बना लिया और उसी वीडियो के आधार पर वो उनको ब्लैकमेल कर रहा था। 10 लाख रुपए उनसे मांग की गई थी, लेकिन दंपत्ति ने इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस की जांच में आखिरकार यह आरोपी पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात है, जो आरोपी है वो BE किया हुआ है और UPSC फाइट भी कर रहा था, लेकिन उसमें असफल नहीं हुआ तो आखिरकार वो अपराध की दुनिया में आ गया और अपराध करने के तहत में वो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त होता गया। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। मोबाइल फोन उससे जब्त किए गए हैं, 3 सिम भी जब्त की गई है। इस पूरे मोबाइल की और जांच की जाएगी और साथ ही इसके पिछले रिकॉर्ड भी देखे जाएंगे कि और किन्हीं मामलों में तो संलिप्त नहीं रहा, लेकिन फिलहाल जो सामने आया है मामला वो 3 चोरियों का ही सामने आया है। ठीक मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, राजनांदगांव का जिक्र करते हैं जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने नक्सलियों की मदद करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया। मदनवाड़ा थाना क्षेत्र करेकट्टा इलाके से गिरफ्तारी हुई। नक्सलियों के सहयोगियों से एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों का ये ट्रैक्टर सहयोगी किराए से चलाते थे। किराए की आय से नक्सली अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति करते थे। छत्तीसगढ़ में इस तरह के ये जो है पहला मामला अभी सामने आया है। तो कुल मिलाकर इसमें चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास ये ट्रैक्टर, बैंक के दस्तावेज, मेमोरी कार्ड, चिप्स और बहुत सारे नक्सल से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है। इस पर कार्रवाई UAPA की धारा 10, 13, 38, 40, IPC की सेक्शंस 420 और मोहलामानपुर। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चार नक्सल सहयोगी को किया गया गिरफ्तार। और इसमें बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के द्वारा जो उगाही किए गए पैसे से ये ट्रैक्टर खरीदा गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर से जो आने वाले किराया है उस राशि से नक्सली संगठन को ये पैसा जाता था और नक्सली अपनी दैनिक उपयोग की चीज़ें इसी ट्रैक्टर के किराए के पैसे से खरीदते थे और संगठन को मजबूत करते थे। ये प्रदेश का पहला ऐसा मामला है जहां नक्सलियों के द्वारा खरीदे गए ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ा है। राकेश यादव, न्यूज 18, राजनांदगांव। गरियाबंद का जिक्र करेंगे। पंचायत में बैठा नशे में चूर सचिव नजर आया। अधिकारी और ग्रामीणों के साथ बदतमीजी भी की। पंचायत में बैठने का ये वीडियो सामने आया है। अभनपुर पंचायत सचिव है कमल नारायण। अभनपुर के उमरपोटी पंचायत का ये पूरा मामला है। जनपद CEO अभनपुर अब नोटिस भेजेंगे, उनके द्वारा ये कहा गया है। गरियाबंद के सरकारी अस्पताल में हंगामा देखने को मिला। डॉक्टर पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। मरीजों और परिजनों ने हंगामा यहां पर किया। बता दें, बिना BP जांच किए OPD पर्ची में लिखने का आरोप है। डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की मांग की बात कही जा रही है। देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला सामने आया। दंतेवाड़ा संग्राह किसानों ने तेंदुपत्ता के नगद भुगतान को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज दुर्गा मंडप में CPI के बैनर तले सभा का आयोजन किया गया और तेंदुपत्ता के नगद भुगतान के लिए वन मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। CPI के चर्चित जिले के सचिव कोवासी भूमड़ा ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को न्याय दिलाने संघर्ष का करने का आश्वासन देते हुए कहा कि जब बीजापुर और सुकमा में नगद भुगतान की जा सकती है तो दंतेवाड़ा जिले में क्यों नहीं। संग्राहकों को नगद भुगतान दिया था तो हमारे दंतेवाड़ा जिले को इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। इधर सुगमा को नगद दिया, बीजापुर को नगद दिया, नरनपुर को नगद दिया। यह भी वो भी संवेदनशील है, ये भी हमारा दंतेवाड़ा भी संवेदनशील है। इसमें बैंकों में पैसा डाल दें क्योंकि किसी का खाता है, किसी का खाता नहीं है, किसी का होल्ड हो गया, किसी का खाता ही नहीं है। ऐसे में मतलब तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, बेचने वाले जो हितग्राहियों को बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए हमारा आज माननीय वन मंत्री के